देश में लोकसभा चुनावों के पहले चरण की वोटिंग हो चुकी है। दूसरे चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी और कांग्रेस को एक नया मुद्दा मिल गया है। अल्पसंख्यकों को लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला अब तेज हो गया है। हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बड़े नेता कहते थे कि सबसे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। बीजेपी शुरुआत से ही कहती रही है कि सबसे पहला हक गरीबों का है। बीजेपी ने हमेशा विकास की बात की है। उन्होंने कहा कि गरीबों में मुसलमान भी आ जाता है। हमने हमेशा समानता की बात कही है। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हमारा मुख्य विपक्षी दल अल्पसंख्यकवाद फैलाना चाहता है। वह मजहब के नाम पर वोट हासिल करना चाहता है। अब हमें उनकी बातों का जवाब देना ही पड़ेगा। हमने कभी किसी की प्रॉपर्टी छीनने की बात नहीं की। ये बात एक कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखी गई है। कांग्रेस ने पहले भी ऐसे खतरनाक कानून बनाए हैं और भविष्य में भी ऐसे बना सकती है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम जनता को जागरूक करें। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं है। कांग्रेस के 15 लोग के कहने पर ये बात सिद्ध नहीं होती है। उन्होंने दुष्यंत चौटाला की बात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला पर आरोप सिद्ध होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उसको दोबारा सुन लो, उसको दोबारा सुन लो। लास्ट में उसने यही कहा कि अल्पसंख्यकों का अपील है। ये वो तो रिकॉर्ड चीज है, कोई उसको ये तो है नहीं कि मैं बदल दूंगा उसको। वो तो आप दोबारा सुन लो, दोबारा भी उसमें यही है कि उनका अधिकार। मैं ये नहीं कह रहा किसके, मैं ये कह रहा कि गरीबों का। माने प्रधानमंत्री जी ने जब शपथ ली तो उन्होंने कहा कि पहला अधिकार गरीबों का है और हम इसके पक्ष में है। गरीब में मुसलमान भी आ जाएगा? मुसलमान क्यों नहीं आएगा? ये मुद्दा हमने तो नहीं बनाया। मुद्दा बनाया किसने? बयान किसका है पहला? घोषणा पत्र में कौन लिख के दे रहा है ऐसी बातें? घोषणा पत्र में तो हमारे घोषणा पत्र में तो यही नहीं। हमने तो विकास ही मारा मुद्दा है। मारा मुद्दा पहले दिन से विकास है, तो हम विकास में चले। और विकास को जो गति भारत में दी है तो वो पूरी दुनिया में रिकॉर्ड, आज सबसे तेज गति से भारत विकास कर रहा है। देखिए, अब अगर जो हमारा विपक्षी है, जो विपक्ष का व्यक्ति है, वो अल्पसंख्यकवाद फैलाना चाहता है या मजहब के आधार पर वोट मांगना चाहता है, तो उसका जवाब तो देना पड़ेगा हमें। अब हम कैसे रहे उसको? बात तो वो कह रहा, ये कौन कह रहा कि हम लोगों की प्रॉपर्टी छीन के देंगे? हम दिन हमारे से भी तो लिखा घोषणा पत्र में, ये तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखा। उसका जवाब तो देना पड़ेगा ना कि कितना खतरनाक काम है। तो पहले भी ऐसे कानून उन्होंने बनाए और ऐसे खतरनाक कानून आगे भी उससे बना सके, तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम उस पर जागरूक करें। जो फैसिलिटी हमने दी आम आदमी को, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उसमें क्यों नहीं चर्चा? देखिए, इसके बारे में तो जो हमारे बड़े लीडर हैं वो बताएंगे, लेकिन वो बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। हर आदमी उससे परेशान है कि उससे जो है, मतलब इस प्रकार के अधिकार उसमें हैं उनके पास, जो जितनी जानकारी मेरी है, कि उसमें फिर दूसरा व्यक्ति को हस्तक्षेप नहीं, उन्हीं की कोर्ट में जाना पड़ता है। तो उसमें अन्यायपूर्ण, अगर वो अन्यायपूर्ण है तो निश्चित तौर से समाप्त होना चाहिए। हाँ, वो सिद्ध होगा तभी तो ना जी। अब आप शिकायत करो, उसकी जांच करो, अगर वो है, ऐसे मुंह चलाने से तो कुछ नहीं। पूरे हरियाणा में आज कोई भी ये बात नहीं मानता कि हरियाणा का मुख्यमंत्री भ्रष्ट है। सब लोग मानते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री, हर आदमी 3.25 करोड़ लोग ये मानते हैं। अब कांग्रेस के 15 लोग कुछ कहें तो इससे तो कुछ नहीं होता ना। देखिए, वो कोई ऐसा अलग बयान नहीं, उन्होंने कहा कि इस प्रकार के अगर आरोप आते हैं तो भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे भी आएगा, जिसके भी के ऊपर भी आएगा, अगर उसको सिद्ध होगा तो उसके किसी के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, कोई भी हो जाएगा।